हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और चलिए हम अपने यूट्यूब चैनल की इस जर्नी को आगे शुरुआत करते हैं। आज का जो जर्नी है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ जो चैप्टर 9 है क्लास 8 का उसके ऊपर है। ठीक है, ये टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप सब ने क्लास 7 में पढ़ के आ चुके हैं। आप निराश मत होइए कि अगर आपने क्लास 7 को नहीं देखा है, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर अलग तरीके से कुछ पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, सारे जो भी कहीं भी आपने पढ़ा होगा ना, वहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन आंसर से ही काम शुरू होती है, लेकिन हम यहाँ पे पूरे चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इससे पहले कि जर्नी को स्टार्ट करें, मैं आपको दो चीज़ कहना चाहता हूँ। पहला, अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में इमीडिएट देखिए, इमीडिएट लिखिए उसको, ताकि मैं उसको इमीडिएट से समाधान कर सकूँ। दूसरा, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको चाहिए कि सर मुझे ये टॉपिक चाहिए या ये टॉपिक चाहिए, मुझे वो टॉपिक डिफ़िकल्ट है, आप कमेंट सेक्शन में उसको भी लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए हम अपने फ्रेश जर्नी को स्टार्ट करते हैं और आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। यहाँ पर पूरा एल्जेब्रा के ऊपर हमारा काम चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है एल्जेब्रिक। ये एल्जेब्रिक वर्ड का बात हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक्सप्रेशन चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा और आइडेंटिटीज़ इसके रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ाई की है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले हम इस चीज़ को थोड़ा क्लास 7 से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ से बना हुआ एक टर्म। एक टर्म, इसमें एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल। देखिए, कांस्टेंट वो जिसका वैल्यू नेवर चेंजेस, किसका वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसे 2, 6, 9 ऐसे चलता रहेगा। वेरिएबल क्या है? वैल्यू नॉट फिक्स्ड, वैल्यू उसका फिक्स्ड नहीं है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? कोई भी सिंगल अल्फ़ाबेट लाइक एक्स वाई ए ईटीसी। यानी कोई भी एक्सप्रेशन हमारा दो चीज़ से बनता है, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। बच्चों, ये चीज़ मैं आपको पढ़ाया हूँ, ये लेफ़्ट साइड में दिए हुए ये पूरा जो है ना व्हाट इज़ एक्सप्रेशन, इसमें सब कुछ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शायद आपने ये कभी नहीं किया, बट थोड़ा सा टाइम निकाल के जो बच्चे सच में चीज़ों को बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहते हैं, आप प्लीज़ ये व्हाट इज़ एक्सप्रेशन जो बुक में लिखा है ना, उसको एक बार ज़रूर रीडिंग कीजिए और देखिए कितनी आपको क्लैरिटी मिलती है। कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार भी उसको रीडिंग नहीं किया है, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा सिर्फ एक बार रीडिंग कीजिए और वीडियो को साथ में देखिए। अगर कोई बच्चों को रीडिंग करना पसंद नहीं है तो आप सिर्फ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसी को देखते रहिए। चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिया, एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉन्स्टेंट, एक होता है वेरिएबल। अब आप पूछोगे तो सर एग्जाम्पल बताइए एक्सप्रेशन का। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ एक्स प्लस फोर, ये x प्लस फोर जो है वो एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे जो x टर्म है वो क्या है, वो वेरिएबल है। आप वो क्या है, ये x टर्म क्या है, वेरिएबल है, और ये जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, अब अगर हमें बोला जाए कि नंबर लाइन में ऐसे एक्सप्रेशंस को पॉइंट कीजिए, तो देखिए सपोज मैं आपको बोलता हूँ जैसे x प्लस फाइव, तो नंबर लाइन में जीरो से लेकर x तक उन्होंने कुछ भी एक वेरिएबल ले लिया x, x के बाद पांच घर, तो इसलिए x प्लस फाइव। अगर x माइनस फोर होता तो इस साइड होता माइनस फोर वाला। ठीक है, उसी तरह देखिए 4x प्लस फाइव, ये एक x उसी के बराबर दूसरा x, फिर तीसरा x, फिर चौथा x, देखिए सारे के सारे बराबर हैं, सब इक्वल है, उसके बाद पाँच घर। तो बस अल्फाबेट में आप इसको आराम से, एक्सप्रेशन को आप आराम से नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोला है कि गिव फाइव एग्जांपल्स एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन वेरिएबल, ठीक है, टी, टू टी, सिक्स टी, टू ए, ये सब क्या है, सब के सब वन वेरिएबल वाले। देखिए वन वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल टी है, इसमें भी एक वेरिएबल टी है, इसमें भी टी, ये हो गया वन वेरिएबल। ये सब क्या है, वन वेरिएबल कॉन्स्टेंट में कोई भी पाबंदी नहीं है। उसका बोला है फाइव एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स। यहाँ पे एक और लेता हूँ, ए, टू वेरिएबल ना, देखिए ए प्लस टू बी, थ्री ए प्लस बी, सिक्स बाई टी प्लस फाइव बी डॉट थ्री टी प्लस टू ए प्लस प्लस नहीं होगा, लास्ट एक लेते, चार हो गया ना, एक लेते ए प्लस बी। सिंपली क्या है, टू वेरिएबल, ठीक है। अब ये बोला है एक्स को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ से यहाँ तक एक्स, सिंपल एक्स माइनस फोर, तो यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो कर लो। ये अगर ज़ीरो है, यहाँ अगर एक्स है, तो फोर मतलब यहाँ पे फोर, ठीक है, इस तरह सकता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ये कोई जो नॉर्मल चीज़ है, इनको आप आराम से देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट टर्म आता है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, उसे कहते हैं रेड पेन। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखिए आप कोई भी इन टर्म को समझने से पहले 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 इसको देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको आप पढ़िएगा, लेकिन उससे पहले बस इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, एक टर्म है मान लीजिए, मैं आपको बोलता हूँ फाइव एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर। ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, वाई दूसरा वेरिएबल है, कांस्टेंट कितने हैं, फाइव एक कांस्टेंट है, थ्री एक कांस्टेंट है, फोर एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इनमें से ये जो टर्म, ये फाइव एक्स एक टर्म है, थ्री वाई एक और टर्म है, फोर एक और टर्म, यानी टर्म कितने हैं हमारे इसके अंदर, टर्म है हमारे थ्री। क्या क्या है, एक है फाइव एक्स, दूसरा है थ्री वाई, चौथा है फोर। डन, टर्म क्लियर हो गया, इसे कहते हैं टर्म। अब हर एक टर्म जैसे फाइव एक्स, ये किससे बना है, फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स, थ्री वाई किससे बना है, थ्री मल्टीप्लाइड बाई वाई, और फोर क्या है, नॉर्मली फोर है। तो ये जो हर एक टर्म में ये फाइव एक है, एक्स एक है, ये दोनों क्या है बताइए, ये दोनों है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, हम कहते हैं फैक्टर्स, यानी टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स है, इसके भी थ्री है वाई है, तो कितने फैक्टर्स, ती दो, इसके भी दो फैक्टर्स, इसके कितने हैं, वन फैक्टर, कुछ नहीं है तो अकेला वन फैक्टर, ठीक है। अब कोई भी टर्म का, ये तो हमारा हो गया, अब इसी टर्म का ये फाइव एक्स ले लेते हैं, ये फाइव एक्स में ये फाइव जो है इसे हम कहते हैं कोफिशियंट, क्या कहते हैं, कोफिशियंट। उसी तरह थ्री वाई में जो थ्री है उसे भी हम कहते हैं कोफिशियंट, ठीक है। तो फैक्टर्स हो गए, कोफिशियंट हो गए और टर्म हो गए, यानी अगर हम जनरल कोई चीज़ ले लें, जैसे यहाँ मान लीजिए हम लेते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, फाइव एक्स वाई प्लस थ्री, तो ये क्या है, एक टर्म है, ये क्या है, एक टर्म है, तो टर्म कितने हो गए, चलिए मैं उसको लिखता हूँ, टर्म कितने हो गए, दो, एक हो गया फाइव एक्स वाई और एक हो गया थ्री, मैं साइड से मैं लिख रहा हूँ। अब फाइव एक्स वाई में फैक्टर क्या क्या है, एक फैक्टर फाइव है, दूसरा एक्स है, तीसरा वाई है, यानी एक टर्म के अंदर तीन फैक्टर, कितने फैक्टर यहाँ पे, तीन फैक्टर, इसमें कितने फैक्टर है, वन फैक्टर, इसमें कितने हैं, वन फैक्टर। अब इसी तीन फैक्टर के अंदर जो फाइव है
उसे हम कहते हैं कोफिशेंट। बस यही आपको पढ़ना है। टर्म किसे कहते हैं, यानी टर्म होते हैं जो नॉर्मल चीज़ है, जिसमें जो जिसमें ऐसे 5xy एक टर्म है, 3 दूसरा टर्म है, ठीक है। अब एक टर्म के अंदर जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो सब क्या है, एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। अब इन्हीं फैक्टर के बीच में अगर कोई न्यूमेरिकल टर्म है उसे हम कहते हैं कोफिशियंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टर्म हो चुका है, फैक्टर्स हो चुका है, कोफिशियंट। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, इसको रीड कीजिए, इसको रीड कीजिए, ठीक है, पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़िए, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। देखिए अगर आप टर्म समझ गए हैं तो बस सिंपल लैंग्वेज में अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, तीन से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल, 1, 2, 3 और 3 प्लस, देखिए 4x2 एक, 3x3xy एक टर्म, 7z एक टर्म, 5xy2 एक टर्म, 10y एक टर्म। इसमें क्या a प्लस बी, ए एक टर्म है, बी एक टर्म है। सेकंड में 4l प्लस 5m, 4l एक टर्म है, 5m दूसरा टर्म है। a प्लस 4, a एक टर्म है, 4 एक टर्म है। नेक्स्ट में 5 माइनस 3xy, 5 एक टर्म है, 3xy एक और टर्म है। तो इसमें सब दो दो टर्म हो गए, डन। फिर क्या है, तीसरे में 3 टर्म्स, a b c तीन टर्म। फिर क्या है, 2x एक टर्म, 3y दूसरा टर्म, माइनस 5 एक और टर्म, x2y एक टर्म, xy2 एक और टर्म, y2 एक और टर्म। उसका देखिए चौथे में क्या है, a प्लस b प्लस c चार टर्म, 3xy कॉमा 3xy कॉमा 7yz, यहाँ पे कितने 3xy, ठीक है। इसे हम टर्म को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, तीन टर्म है ट्राइनोमियल और उससे ज़्यादा, ठीक है। देख बस पॉलिनोमियल का एक स्पेशल डेफिनेशन देखिए, एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म विद नॉन जीरो कोफिशियंट विथ हैविंग वेरिएबल नॉन इक्वल, मैंने पॉलिनोमियल में 3 प्लस किया, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। यानी यहाँ पे देखिए a प्लस बी, यहाँ पे चार टर्म था, उसके बाद देखिए सिर्फ 3xy है, यानी 3xy में क्या है, मतलब यहाँ पे आपके पास कोफिशियंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, देखिए नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट या फिर नॉन ज़ीरो कोफिशियंट। तो 3xy में क्या है, कोफिशियंट क्या है, 3 है तो काम कर जाएगा। 7xy ये भी क्या है, 2 का है, यहाँ पे क्या है 7xyz, एक है और एक है -10, 2 हो सकता है, इसका कोफिशियंट 7 है, इसका कोफिशियंट 10 है। तो पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा लेकिन कंडीशन क्या है, नॉन ज़ीरो कोफिशियंट होने चाहिए, ये है उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये उसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये रहा नॉन ज़ीरो कोफिशियंट, ठीक है। इसको एक बार रीड कर लीजिए, अभी देखिए कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, किसे कहते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। देखिए 7x एक टर्म है, 14x एक और टर्म है, ठीक है, और -13x तीनों क्या है, सेम टाइप के ना। देखिए इसे हम कहते हैं वन टाइप ऑफ लाइक टर्म्स। एक्स स्क्वायर एक है, नहीं दूसरे पेन से करता हूँ, बीच में सब कॉमा है बेटा, सब कुछ सिंगल सिंगल है। तो देखिए ये 5x2 और एक क्या है, एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, 9x2, ये दूसरे टर्म है। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा हो जाएगा 7xy एक टर्म है, 5yx एक टर्म, एक टर्म है। अब लोग सर 7xy है और yx है, बात एक ही है, क्योंकि 7x और y इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 7 एक फैक्टर है, x एक फैक्टर है, y एक फैक्टर है, और यहाँ पे -5y और x, -5 फैक्टर है, y फैक्टर है, x फैक्टर, फैक्टर सारे इक्वल है ना, तो टर्म भी सेम है, टर्म भी सेम है, जिसे हम लाइक कहते हैं। तो अनलाइक कौन सा हो जाएगा, इनमें आपस में मिला दो, जैसे 7xy और 4x2, देखिए ठीक है। देखिए यहाँ बोला है 7x और 7y, ये क्या है,
अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक है। क्यों क्यों है? क्योंकि 7x के अंदर फैक्टर्स है 7 और x, और 7y के अंदर फैक्टर्स है 7 और y, दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है। उसी तरह इसी वाला भी, ये वाला यानी फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। टर्म्स हमने पढ़ा, फैक्टर्स पढ़ लिया, यानी फैक्टर्स के हिसाब से यहाँ पे लाइक और अनलाइक टर्म की बात आती है। ओके राइट, टू टर्म्स विच आर लाइक 7xy, क्या हो सकता है बोलिए? 2xy, 6yx, देखिए उल्टा भी चलेगा, 4mn square, 3mn square, या फिर 4n square m, 2l का 4l, 9l, चलिए सिंपल हो गया। अब बोलेंगे क्या सर खाली l ही उठता है? नहीं, l क्यों, l होना ज़रूरी है ये, क्योंकि यहाँ पे अगर हम l के जगह दूसरा डालते हैं तो अनलाइक बन जाएगा, तो यहाँ भी l होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहीं तक इसको रहन देते हैं। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो सब पूरा क्लियरली समझ में आई है। फिर से अगर हो सके 15 मिनट की वीडियो को शुरुआत से देखिए, जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। आपकी हर एक कमेंट को मैं सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में इसको बांटिए। काफ़ी बच्चे इस टॉपिक में कन्फ्यूज़ रहते हैं, मैं चाहता कि आज के बाद और कोई कन्फ्यूज़ रहे। प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप चाहेंगे तो काफ़ी जगहों से सपोर्ट मुझे मिल सकती है। थैंक यू आपके पेशेंस के लिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।